सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरों में किए गए वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों ने बुधवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया। दल के सदस्यों का कहना है कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के दरों में वृद्धि की गई है। दल के सदस्यों का कहना है कि किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में किए गए वृद्धि को तत्काल वापस लेना चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह सैंथवाल, महानगर अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव, महामंत्री विजय कुमार यादव सहित दल के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दल के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह सैंथवाल ने कहा, बिजली दरे वापस लो, वापस लो। चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर मसूद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आई है आगे और आई है। जय सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद जय चौधरी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राजा की जय, भारत राजा की जय। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण किसानों को बिजली की दरों में बढ़ोतरी 250 260 रुपए से लेकर के और 200% से 350% तक नलकूप जो लगाए हैं उनको 2000 मिनिमम चार्ज दिए जाएंगे। जमीन के अंदर यदि पानी चला गया है, जो मोटर 2 हॉर्स पावर के उठाते थे पानी, वो कम से कम 9-10 हॉर्स पावर का उठा रहा है, उससे बिजली बढ़ेगी और ये दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसमें किसानों का क्या दोष है? ये कह रहे हैं जो किसान कर्जा बिजली की दरों को पेमेंट नहीं करेंगे उनको जेल में डाला जाएगा। इन्होंने बिजली विभाग को पुलिस थाना खोलने के लिए पैसा दिया हुआ है, वह पैसा किसानों को देते तो आज ये बोझ नहीं पड़ता। क्या ये उचित है? अगर बिजली की बढ़ी हुई दरों को ये वापस नहीं लेते हैं तो हम 13 तारीख से लेकर के और 12 अगस्त तक पोल खोल अभियान इनका चलाएंगे और इनकी सारी हरकतों को हम उजागर करेंगे। रमेश सिंह सैथवार, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल।